बिस्मिल्लम रहीम वालेकुम मेरा नाम मिसबा ख़ादरी है और आप देख रहे हैं वी प्ले प्राइम और प्रोग्राम का नाम है गेस्ट ऑफ ऑनर आज हमारे साथ मशहूर टी वी एंकर और होस्ट शाजिया खान मौजूद है शाजिया बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला आपको शुक्रिया लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि एंकरिंग काम तो मेरा था आज आपको एंकरिंग करते हुए बड़े खुशी हो रही है exactly. टेक्निकल तो जगह से आप यहाँ हर एक मॉडिफाई होता है ना हर एक आप मार रहे हैं ना उसमें ज्यादा खुशी हो रही है और जो हमने इतने अर्से आपके अभी तो हम डिबेट शुरू कर रहे हैं तो नाजरे ऐसे बोर हो तो चले आगे हाँ, चले। हाँ, अच्छा मैं और शादी एक अर्से साथ काम करते रहे उस वक्त ये एंक्रीट बैठी थी, थी और मैं कंट्रोल रूम में बैठता था और वो जमाना था सी एन बी सी पाकिस्तान का जी सी एन बी सी पाकिस्तान दो हजार छह सात की बात है एग्जैक्टली अच्छा सबसे पहले तो लोगों का एतराज आम तौर पे करंट एंक, एंकर से होता है कि वो माचिस वाला काम करते हैं और गैस को बुला के आपस में लड़ाते हैं तो ऐसा क्या पब्लिक डिमांड होती है या चैनल ऑर्गेनाइजेशन आपसे चाहती है अच्छा देखिए मिसबा इसके बहुत सारे जवाब हैं ठीक है एक तो सबसे पहले ये है कि मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूँ फिर हम मैं दूसरों पर आऊंगी कि हमारे जो उस्ताद थे ना वो बड़े तहमल मिजाज प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव किस्म की सोच रखने वाले थे तो जैसे उस्ताद होते हैं वैसे शागिर्द होते हैं तो आ, बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे सही जर्नलिज्म सिखाई तो चूंकि मेरा ऐसा तजुर्बा मेरा रहा मतलब काम करने के साथ साथ पढ़ाई का भी तालीम भी मैं मैस कॉम की हासिल करती रही और मैं काम भी करती रही तो दोनों चीजें मुझे तरबियत और तालीम दोनों मिलती रही ना तो आ, उस वजह से आज तक मैं किसी को लड़ा नहीं सकी और अगर कोई इस आपको इसका क्या नहीं रिग्रेट नहीं है मुझे फखिर महसूस होता है कि देखिए इंसान कम काम करे लेकिन ऐसा काम करे जो लोगों को याद रहे आ, आपको कोई भी एक क्लिप जो है वो मशहूर तो कर देता है लेकिन उस मशहूर मतलब बदनाम हो ना होगा होगा वो वाले मुहावरे से बेहतर है वो वाले शेर से बेहतर है कि मैं लो प्रोफाइलों के अच्छे तरीके से काम करूँ तो अभी तक तो मैंने लड़ाया नहीं अच्छा दूसरी बात यह कि आजकल चूंकि ट्रेंड चल पड़ा है और दूसरा जो, जो, जो मैं आपको उसका जवाब देना चाह रही थी वो ये था कि आजकल चूंकि रेटिंग का दौर है हम बहुत अरसे से देख रहे हैं तकरीबन सात आठ साल से ये रेटिंग की दौर देख रहे हैं

तो वो फिर लोगों फिर जब चैनल की रेटिंग आती है और स्लॉट की रेटिंग आती है तो एंकर भी चाहता है कि भाई मेरी रेटिंग आए तो वो उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करता है तो दूसरा आपका जो मैंने कहा था कि इस सवाल के दो तीन जवाब है दूसरा जवाब तो ये हो गया जी आप अगला सवाल <laughs> 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 अच्छा क्या ये अच्छा होता है मतलब जैसे अच्छा आपने कहा कि बदनाम अगर होंगे तो नाम ना होगा तो क्या ये नेगेटिव पॉपुलैरिटी है ये पॉपुलरिटी में काउंट होती है लेकिन क्या ये उस एंकर के करेक्टर पर सवाल नहीं है देखिए ये तो अब सवाल तो पूरी कॉम के कैरेक्टर पर आ गया भैया आप मेरी बात क्या कर रहे हैं एक एंकर नहीं, नहीं, नहीं है, है। मतलब exactly. को तो मैं एक के हवाले से बात करी कि उसके कैरेक्टर पर सवाल तो उठना तो मैं तो कहती हूँ पूरी कॉम पर सवाल उठा रही हूँ मैं तो कि भाई आपने किस तरह के अपने आइकॉन बना लिए किस तरह के हीरो बना लिए आपने मतलब जो Uh, जो कॉमें होती है ना तरक्की ऑफ्ता कॉमे सिविलाइज कॉमें वो अप, उनके हीरो सिविलाइज होते हैं आइडियल होते हैं उन उन्होंने कोई पॉजिटिव काम किया होता है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये मसला है कि हम जब भी कोई Uh, मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज uh, जाती हूँ कभी एज ए स्पीकर तो जब मैं ऑडिटोरियम में देखती हूँ ना पचास साठ सत्तर बच्चे तो मुझे दुख होता है हुँ. क्योंकि वो जो हमारी जो डिस्कशन चल रही होती है right. वो इतनी इन्फॉर्मेटिव होती है कि मुझे लगता है वो वो बेचारे मिस कर रहे हैं तो शायद अपनी जिंदगी का एक आध <laughs> मिस कर रहे हैं अच्छे कर, करियर का लेकिन जब हरीम शाह आ जाएगी तो, तो फिर आप देखिए वो ऑडिटोरियम के बाहर भी, भी लोग गिर रहे होंगे एक दूसरे पे स्टूडेंट लेकिन वो देखेंगे जरूर शाह की फजूल हरकतें इसी तरह अभी आमिर लियाकत साहब चल रहे हैं वैसे मैं आमिर की इस टाइमिंग को ना बड़ा क्योंकि अब बात चल रही तो बात से बात निकाल रही हूँ इस टाइमिंग को मैं सल्यूट करती हूँ दो महीने बाद रमजान है बेचारे को वैसे गुलाम अब ये हो गए मशहूर हो गए हाँ। ठीक है ना पूरे अभी इस तो हीरो बने हुए ना आप जैसे मर्दों के नहीं तो वो तो कर रहे हैं ना तो मजबूरी है ना इसलिए ना हमारे है मर्द इसी तरह के वो जो परसेंट बच गए ना उस बेचारे को अपॉर्चुनिटी वो उनको नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही अगर उनको कोई हाँ करेगी ना तो वो उधर भी है सर ये जो कैरेक्टर वाली बात है इसका जवाब आपको मिल गया कि इमरान आमिर इमरान खान साहब तो बड़े हीरो हैं हमारे

इनको किसी <laughs> नौटंकी के अंदाज में देख रहे होंगे काम करते हुए लेकिन मैं बहुत इख्तलाफ़ रखती हूँ उन सब <laughs> चीजों से जी अच्छा ये जो एंकर्स है <laughs> इनकी क्या लॉबियां होती हैं लॉबिंग इसका जवाब तो आप दे देंगे ना इतना मैं मैंने आपके साथ काम किया आपने कभी मैं मैं तो प्रोडक्शन का आदमी हूं डायरेक्टर डायरेक्टर एज ए काम करता रहा दीवारों के भी कान होते आप लोगों के बहुत कान होते थे हमें आवाज नहीं आती थी बंद करके करते और आप सुन रहे होते थे सारी चीजें तो लॉबिंग हो गई है लॉबिंग कहां नहीं है मुझे ये बताएं लॉबिंग हर जगह पर है हर प्रोफेशन में हर इंस्टीट्यूट में हर इंसान अपना एक लॉबिंग बना के बेसिकली इनसिक्योरिटी बहुत हो गई है हमारी सोसाइटी में हर चीज को लेकर प्रोफेशंस को लेके तो 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 जब इंसान इनसिक्योर होता है तो वो वो अपने प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह पे वाला हमारा करते हैं। और बना लेते हैं चार पाँच मेरे हम जोली कुछ यहाँ कुछ वहां उधर की बातें भी इधर की बातें भी तो अपनी चल रही होती कहानी अच्छा एज ए जर्नलिस्ट आप कितना प्रेशर होता है हुआ है बड़े दारों में भी काम किया आपको पता ही है कि हम समा में काम किया और समा में बहुत अच्छा वक्त हमने गुजारा सी एन बी सी में तो हम ऐसे थे जैसे घर में रहते हैं है। और मुझे याद है कि समा में जब बेनजीर का एसिसनेशन हुआ था तो हम वहीं पे रुक गए थे तीन दिन स्ट्रक हो गए थे हम तो हम बिल्कुल फैमिली फील कर रहे थे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही थी घर जाने की चाहत भी नहीं हो रही थी आंटी नलिस अपनी फैमिली का हमें ख्याल था तो प्रेशर होता है लेकिन प्रेशर वही होता है

वो उस वक्त मुल्ला उमर काम उसको हाईलाइट हां मतलब उसका उसको मारा था कम कौन सी दफा पहली दफा दूसरी दफा तीसरी दफा लास्ट वाला जिसमें वाकई वो मर मार गया गया। गया। मारा गया। नहीं था मर गया था mm -hmm. वो बेसिकली वो कोई बीमार था या क्या था उसको प्रॉब्लम mm -hmm. तो वो जो खबर लीक हुई थी तो मेरे कुछ सोर्सेज थे उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप करना चाह रही हैं तो कर ले आप उनका इंटरव्यू वो आपको कर, क्योंकि वो ब्रेकिंग चल रही थी ना कि मर गया है पहले मरा था तो वो कौन था, 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 मुल्ला उमर था, अब ये कौन है अब ये भी असली वाला है या नहीं है हाँ जैसे उसामा उस बिन लादिन का हुआ था कि exactly. अगर वो पहले मर गया था तो ये कौन था खैर hmm. ये भी एक फैब्रिकेटेड स्टोरी hmm. थी तो उस वक्त मैंने अपने जराए से मैंने कॉन्टेक्ट किया और उनके बड़े करीबी दोस्त थे मुला उमर के उनसे मैंने बात की और आ, मैंने बस एक आ, उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या लिखेंगी मेरा मतलब आप इंट्रोडक्शन क्या, क्या बताएंगे, हाँ? अच्छा मैं जो कि जहाँ भी मैंने काम किया ना मिसबा वहाँ मेरी मैंने एज अ एंकर नहीं काम किया एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया एज अ कंटेंट राइटर भी काम किया एज अ कोऑर्डिनेशन भी किया हुँ। मैंने गेस्ट के साथ तो ज्यादातर काम मैं ही अपने जिम्मे लेती हूँ तो वहाँ पर भी मैंने सारे गेस्ट लाइन अप किए थे मुल, आ, य, आ, मुल यूसुफ जई साहब थे उस शो में और एक हमने अफगानिस्तान से एक साफी लिया था और उस आ, कमांडर को हमने लिया था अच्छा। उन्होंने कहा मेरा आपने कमांडर इंट्रोडक्शन देना है अच्छा। उनकी फरमाइश थी है। मैंने कहा चले हमारी मजबूरी थी हमने कर दिया वो मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया जैसे ही मैं ऑन एयर गई हूँ तालिबान के कमांडर तालिबान के कमांडर का मैंने वो कर लिया जैसे ही मैं ऑन एयर गई हूँ और उसके बाद उन्होंने मेरे जो सीनियर बॉस थे उन्होंने मुझे कहा कि हम कमांडर का इंटरव्यू स्किप कर रहे हैं हमें ऊपर से कॉल आ गई कि हम इनको नहीं चला सकते अब लेकिन इन स्टैब्लिशमेंट से कॉल थी एजेंसी की कॉल थी तो मैंने फिर कहा अब मैं आप सोचे की ऑनियर हूँ तो मैं तो जवाब भी नहीं दे सकती ना तो टाइटल चल गया सब कुछ हो गया अब मैं उनको इशारे कर रही हूँ ये क्या हो क्या गया, गया? मतलब बड़ा कुछ नहीं हो सकता की था, था, है वो सकत ना है। तो वो अब वो पूरा प्रोग्राम ही कर रहा था खैर वो प्रोग्राम जैसे तैसे मैंने कर लिया उसके बाद वो उधर से मॉनिटरिंग हो रही थी तालिबान तो बहुत अपग्रेटेड है भाई ज्यादा पढ़े लिखे हैं हाँ उनका भी आर्काइव है उनके पास ही मॉडरिंग होती तो है तो उन उधर से फिर मुझे कॉल आ गई कि ये आपने क्या किया हाँ। और यूं किया वो किया मैंने उनसे एक्सक्यूज किया लेकिन वो होता ये हाँ, उदर... ही है कि सारा मलबा आपको हां जरा आप ही स्क्रीन पे आप होते हैं जी जी तो एक तो ये हुआ कि वो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये आपने अच्छा नहीं किया और देखें आप आपका करियर जो है वो खराब हो जाएगा और यूं वो तो हुँ एक तरह से साइलेंट थ्रेट थी बिल्कुल ये तो हुआ फिर मैंने बॉसेस से भी बात की तो उन्होंने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं उधर ऊपर से कॉल थी एक तो ये हुआ था दूसरा आपको याद होगा हम जब समा में थे मैं क्राइम शो करती थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना क्राइम रिपोर्टिंग भी करती थी तो उस वक्त यहाँ पे लियाकत मुझे उसका नाम भूल रहा है लियाकत मंगशी नाम था उसका जो एक टेररिस्ट था जौहर में उसको मेरा ख्याल है आ, उसके उसकी हमने कोई रिपोर्टिंग की थी उसका कोई तो जब मैं सुबह निकली क्योंकि आपको याद होगा उन दिनों में मॉर्निंग शो भी करती थी शाम में मैं क्राइम शो करती थी मार्निंग और सुबह मेरी खिदमत बहुत उसको भी निकाल दिया <laughs> तो उन्होंने फिर मुझे नेक्स्ट डे जैसे, जैसे मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो मेरे साथ एक मेरी आ, रिपोर्टर थी नादरा मुश्ताक तो हम जैसे ही निकले अपने, अच्छा, मैं अपने से से, पहले उनका भी इंटरव्यू हो चुका है कई दिन अच्छा पहले। तो जैसे ही हम निकले और हम बस मैं अपने अपार्टमेंट के गेट्स की क्योंकि मैं बिल्कुल अपोजिट रहती थी उधर तो वो उन्होंने मोर्चे वोर्चे बनाए हुए थे वहां से फिर फायरिंग हुई थी तो वो तीन गोलियां जो है वो उन्होंने फायर किए थे एक गाड़ी की छत पे लगा था दो मिस हुए थे फिर उस दिन पूरा दिन समय पे ब्रेकिंग चलती रही कि मुझ पर फायरिंग हो हुआ हुआ। 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 ये हुआ। तो ये दो दफा का केस ऐसा हो चुका है <laughs> और एक्चुअली uh, पता है कि मजबा होता ये है कि जब uh, बहुत सारे लोगों का होगा मैं hmm. अपनी बात नहीं करी जब आप जॉब में आते हैं ना तो फिर वो जॉब आपका पैशन बन जाता है exactly. ये जॉब मेरा पैशन बन है इसी का, इसी का नाम है इसी का नाम है बेसिकली ये फील्ड वैसे मैं आपको बताऊं मेरा कोई एम नहीं था मैं hmm. क्योंकि शादी के बाद इस फील्ड में आई exactly. आपको भी पता तो होगा तो मेरा कोई एम नहीं था मैं तो बड़ा घर से चल सुकून करने hmm. वाली बंदी थी शॉपिंग करना खाना खाना बच्चों को देखना संभालना ये सारा मेरा काम था लेकिन बस वो एक्सीडेंटली आना हुआ ये हादसा कैसे हुआ हाँ वो मैं बता दूंगी लेकिन ये हुआ कि आने के बाद जब मुझे पता चला कि ये तो बड़ी मजे की फील्ड है तो मैंने मेरा ख्याल है आपको पता है कि मैंने तो किसी भी आ, वो कहते हैं ना बीट को नहीं छोड़ा था मैंने स्पोर्ट्स बीट कर ली मैंने मॉर्निंग शो, शो कर लिया मैंने क्राइम शो कर लिया न्यूज कर लिया अब तो करंट अफेयर शो पे आ गई अल्टीमेटली रोड शो मैंने किए तो हर चीज करने के बाद जो है वो अब अभी भी लगता है जैसे ना बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हो गया आपको मीडिया में मुझे माशाल्लाह 16 साल हो गए इसमें से रातें निकाल दी है आपने हाँ? so, दिन, दिन काउंट किया <laughs> नहीं नहीं 16 की, की की, की <laughs> <रहा हूं। laughs> साल हो हजार 2006 में मैं आई थी और पहली न्यूज़ एंकर थी मैं उनका जब न्यूज स्टार्ट हुआ था तो उसमें मैं और उजमा एजाज खान हम दोनों पहले एंकर थे तो हमने वहाँ से स्टार्ट लिया था राइट राइट से मुलाकात हम एनबीसी में दोनों मुलाकात रही हमारी बिल्कुल ऐसे दुनिया बोल है तो ये फील्ड भी फिल्ड मीडिया भी है मीडिया भी ऐसा है कि कहीं कही ना कहीं कही कही मुलाकात हो कही जाती, जाती है, है। अच्छा इन तमाम बीट्स में आपको ज्यादा तौर पे सबसे ज्यादा मजा किस में आया आ, अच्छा ये मुश्किल सवाल है मैंने आपसे कहा ना कि जब काम इंसान का पैशन बन जाता है तो हर चीज में मजा आता है हर चीज में लेकिन एक जो एक सेटिस्फैक्शन किया ये किया इसमें मुझे जो है ना वो मैं एंजॉय भी कर रही हूं Uh, मेरा ख्याल है मुझे क्राइम शो चूंकि उसमें मैं बहुत कुछ करना चाह रही थी वो उस तरह से हो नहीं सका आपको पता है वो उस की थी, उसकी भी थी, फिर उस वक्त वक्त की थी थी पॉलिसी भी फिर एक ट्रेंड था क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त चैनल्स में दो ही क्राइम uh, शो होते थे एक जियो में होता था एक समा में होता था हुँ, जब हुँ, मैंने शुरू किया था दो में तो हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं ला सके क्राइम शो में हालांकि लाना चाहिए था एक ट्रेंड सेट हो गया कि एंकर स्टूडियो में खड़ी है और बस वो लिंक्स दे रही है और से से चोड़ी 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 हाँ, उसके साथ तो वो मेरा मुझे लेकिन जब मैं उसी प्रोग्राम के हवाले से मैं फील्ड पे गई तो मुझे उसमें मजा आने लगा तो लेकिन ज्यादा बनने लगी मजा मुझे आया हमेशा जब मैंने फील्ड पे काम अच्छा क्राइम शोज के बारे में हमेशा से एक जो सवाल उठता रहा है लोगों का जी जो क्राइम शोज होते हैं उसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है

Uh, एक uh, मतलब फेस uh, हाँ। दिखा रहे होते हैं तो आप उसको दिखाते हैं। जब शुरू करते हैं तो लाजमी सी बात है देखिए गुना में लज्जत है जब आप शुरू करते हैं तो वो चीज अच्छी लगती लगती है लेकिन उसका अंजाम बुरा होता है इसी तरह जब आप कोई री शो करेंगे तो आपको वो पूरा शो अच्छा लगेगा मतलब वो एक कहानी अच्छी लगेगी इन द एंड उसका बुरा अंजाम होता है तो वो मैसेज उस वक्त आपको सीख करने वाला टाइम होता है उससे पहले जो 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 चीजें आप देख रहे होते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है अब हाँ तो आ, जादा जादा है अब हमारे यहाँ तो नेगेटिव रेज इतने ज्यादा होते हैं तो जिसने नेगेटिव अप्रोच करनी है वो उससे आइडिया ले लेगा और जिसने पॉजिटिव अप्रोच करनी है वो तौबा करेगा कि जी मैंने ऐसा काम करना ही नहीं है <laughs> इतने सारे चैनल्स में आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किस चैनल में रहा मेरा समा समा, समा में बस एक बड़ा फ्रेंडली एक फैमिली वाला माहौल था हमारे बॉस जो होते फ्रीडम तो उतना तो हाँ, नहीं भिल्कुण, भिल्कुण। आ, तो, अच्छा दिया था वो करते रहे लेकिन ये माहौल बहुत फ्रेंडली था मतलब वो हमारे साथ बॉस थे ही नहीं और हर चीज में इनपुट लेना हर चीज में कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो थी ना मिसबा वो आप भी इस बात की गवाएं के बींग अ वन मुझे बहुत सिक्योरिटी फील होती Bilkul, थी वहाँ पे और कोई किसी किस्म की हेरसमेंट नहीं होती थी hmm. बहुत अच्छा माहौल होता था तो hmm. अब वो वक्त नहीं रहा इसलिए right. मैं कहती हूँ यार वो गोल्डन टाइम था Bilkul. और बाकी चैनल्स में बहुत रहा मुझे डॉन में इसलिए ज्यादा मजा आया कि डॉन में मैं करती थी रोड शो hmm. उस रोड शो में मैं लियारी का ऑपरेशन भी मैंने कवर किया है तो मैं पांच दिन वहां रही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के तो बिल्कुल मुझे बेसिकली मुझे जो है ना मैं मैं वॉर मेरे जो एक रह गई आप कहते हैं ना कोई है हाँ वो मेरा रह गई वॉर रिपोर्टिंग क्या चाह

अदनान सिद्दीकी के सुसर जो भी भी हैं इन इन फादर लॉ वो भी होते थे और बहुत सारे वहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते थे ममूना होती थी तो जब वो मुझे देखती थी तो मैंने न्यूज़ स्टार्ट ही लिया था तो वो मेरे पास आई क्योंकि नीचे प्रोडक्शन होती थी ऊपर न्यूज़ होती थी तो मुझे दोनों दो, ने दो तीन दफा कांटेक्ट किया ड्रामो कि में तो बताएं और ये वो तो मैं उस वक्त चूंकि नया नया फील्ड था शायद भी इतनी थी मैं तो अब तो खैर घर पर हो गए कॉन्फिडेंस भी बहुत आ गया लेकिन उस वक्त तो डर के हमारे घर में बात ही नहीं की थी कि भाई कौन फैमिली क्या बोलेगी बोले हाँ। अच्छा मुझे इजाजत सिर्फ इतनी थी कि तुमने भाई न्यूज चलो न्यूज कर लेना तो जी आगे हाँ तो फिर अब अब रिग्रेट नहीं होता कि यार ड्रामे का ज़्यादा पॉपुलैरिटी ज़्यादा पैसे मिलते हैं नहीं, नहीं। पॉपुलैरिटी देखें ड्रामे की जो स्क्रीन है ना मैं समझती हूँ खैर मैं तो 16 साल बहुत चल गई <laughs> अभी भी स्क्रीन पे आ रही हूँ तो मेरी खुशकिस्मत बोनस लगा हुआ है मेरा वरना हमारे यहाँ बेसिकली न्यूज एंकर की लाइफ न्यूज एंकर की लाइफ तो खैर उस उसपे मैं बाद में आऊंगी ड्रामे की लाइफ ही और ये जो एंटरटेनमेंट साइड है ना उसकी लाइफ ही पांच साल है पांच है। साल बाद आपकी रिप्लेसमेंट है कोई हाँ। वैसे तो दुनिया है ही आरजी exactly. ये बात नहीं आपकी जगह तो कोई भी ले कोई ले ले लेकिन इस है। ये जो एंटरटेनमेंट उसमें आपको पता है ग्लैमरस लुक्स और यंग एज और फलाना और इस तरह लेकिन अभी हमारी जो जो हमारा मीडिया हो गया है जो हमारे न्यूज डिपार्टमेंट करंट अफेयर प्रोग्राम्स हैं वो भी ड्रामा ही हो गया बेसिकली उसमें भी आप देखें ना लड़कियों को ये चाहिए चाहे वो ऊपर से खाली हो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ सके एग्जैक्टली exactly, बस गुड लुकिंग हो और आ, रेटिंग आ रही हो उसकी तो बस ये है न्यूज पढ़ना तो बेचारी वो कहते हैं ना डूबर है ऑफ कोर्स प्रॉम्प्टर लेकिन अब मैं समझती हूँ ब्रेकिंग जब आती है तो ब्रेकिंग में अब,

में एंकर्स अच्छे थे काफी बड़े नाम है उनके सीखे हुए भी हैं अच्छा हम जो है ना हम मिडिल वाले एंकर हैं मतलब हमसे पहले कामरान खान साहब थे आ, हामिद मीर हो गए और ये सारे कैटेगरी में हाँ। बड़े नाम आ गए मतलब उसके बाद हमारा एक आया था स्लॉट आया था तो हमारे स्लॉट में मैं थी नाजिया अशर हो गए सना मिर्जा थी और गरीदा भी उन्हीं में से थी और बाकी ये थे कि मेल एंकर्स में भी बहुत अच्छे हैं मसूद बहुत अच्छे हैं हाँ, सलमान हसन है आ, आ, मैं जावेद हैं जावेद तो अभी भी पीटीवी में मेरे साथ ही क्योंकि मैं करंटली पी से एसोसिएटेड हूँ वहाँ शो कर रही हूँ तो जावेद हैं ये सारे पढ़े लिखे और पढ़ने लिखने के अलावा मैं आपको एक बात बताऊं उनमें चाहत थी सीखने की मतलब मुझे ये याद है कि जब हम समा में होते थे तो हमें खुद इंटरेस्ट लेते थे खुद इंटरेस्ट लेते थे, अखबार की हेडलाइंस बनाते थे मुझे याद है मैं आपको बताऊं मैंने न्यूज पढ़नी कैसे सीखी आजकल के अगर कोई इंटरेस्टेड है और चूंकि मैं आपको पता है मैं पढ़ाती भी भी और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म यूनिवर्सिटीज में तो मैं जब भी उनको बताती हूँ सबसे पहले अगर आपने न्यूज इंटरेस्ट डेवलप करें न्यूज सेंस डेवलप करें hmm. उसके बाद आप स्क्रीन पर बैठे जब आप उस सेंस को डेवलप कर लेंगे ना तो आपकी पर्सनैलिटी खुद उसमें ढल इसमें न्यूज एलिमेंट कौन सा है एग्जैक्टली exactly. तो हम क्या करते थे हमें हमारे सीनियर्स उस्ताद हमें अखबार दे देते थे, थे शाम का hmm. और कहते थे ये हाँ पहले उर्दू की देते थे <laughs> कहते थे इसका मतलब बताओ हेडलाइंस hmm. का मतलब बताओ हमें उस वक्त पता नहीं होता था खैर हम तो कर गए hmm. उसके बाद उन्होंने स्टोरी न्यूज हेडलाइन बनानी कैसे उन्होंने इंग्लिश के, के अखबार हमें कहा कि अब इसकी हेडलाइंस बनाऊंगा hmm. तो इस तरह हमने सीखा उसके अलावा हम मॉनिटरिंग करते थे पंद्रह उस वक्त तो दस बारह चैनल थे, थे पाकिस्तान में अब तो हम, तो हम उसकी मॉनिटरिंग करते थे तो गर्दन यू ही रह जाती थी हम लोगों <laughs> हम, की हम मतलब हमने वहाँ से सीखा है स्ट्रगल की मेहनत किया चाहत थी अच्छा आपको अपने साथ काम करते हुए जब न्यूज एंकर जब हम डबल एंकर न्यूज करते हैं सबसे ज्यादा मजा किस आता है

तो ये वो लोग थे जो नए नए आए थे और बड़े डरे सहमे रहते थे और मैं होती थी उस वक्त हेड ऑफ एनकर तो मैं उन अपने आप को ना उनकी मम्मी महसूस करती थी तो आपको याद है मेरा नाम भी मम्मी पड़ गया था समा में तो मैं मुझे ऐसा लगता था चलो जी बच्चे आए अब उनके साथ हाथ साफ करो तो मैं उनको खूब सिखाती थी तो मज़ा उनके साथ ज्यादा आता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सीनियर हूँ और मैं उनको दबा देती थी ज्यादा खबरें मैं और मैं डिक्टेट करती थी कमांड देती थी लेकिन वैसे जो जिस सीनियर के साथ मुझे मजा आया सलमान हसन के साथ मुझे बहुत मज़ा आया जमील फारूकी आजकल बड़े टैलेंट उनमें था नो <laughs> डाउट तो उन no मैंने उनके साथ समा में भी काम किया मैंने आज में भी उनके साथ काम किया तो बल्कि ये क्लिप मैं उनको भेजूंगी खुश हो जाएंगे तो अक्सर ये होता था वो चूंकि लेकिन न्यूज स्क्रीन uh, हाँ, exactly. uh, तो उन्होंने किया था. ये uh, behind the... screen किया था लेकिन hmm. स्क्रीन के सामने जब वो आए तो वो मुझे बड़ा वो करते थे अप्रिशिएट करते थे तो मुझे अच्छा लगता था मैं उनको डिक्टेट करूँ <laughs> और उनको बोलूँ नहीं जमीला मैं ये करूंगी आप वो करेंगे मैच हो गई थी हमारे साथ जी अच्छा बीपर लेते हुए जो है वो बास प्रोटेशन का वास्ता पड़ता है बल्कि इसका इससे पहले एक सवाल करूँ कौन सा एंकर ऐसा है जिसके साथ काम करते हुए दिक्कत होती है और होती है? क्यों होती थी। है कई फील थी हाँ मतलब होती थी अब तो सिंगल ही करती हूँ मैं शो अपने तो किसके साथ आ, न, ऐसा तो मजबा मुझे नहीं याद पड़ा या तो मैं बहुत अच्छी हूँ <laughs> hmm. या मैंने जिसके साथ काम किया वो सारे ही अच्छे थे तो मुझे ऐसा नहीं लगा हाँ मुझे एक था फारूक हसन और उन्होंने तो फील्ड छोड़ दी बहुत पहले दो हजार चौदह जी जी दोनों की एक तो था वो आ, मैं उसका नाम भूल रही हूँ

जिसकी आप बात कर रहे हैं ना कुत्ता बच्चा वाले अः <laughs> वो एंकर जो है वो मेरे साथ हमारे साथ रिपोर्टर रहे वो <laughs> फिर वो जियो में न्यूज पढ़ने लगे वो बेचारे सारी रात न्यूज कर रहे थे शायद उस उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी तो वो फोकस ही नहीं कर पा रहे थे ये नहीं की थी ये गलती थी मुझे ऐसा लगता है वो गलती नहीं थी उनकी अच्छा वो फोकस नहीं कर पाए उस जुमले को क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपको पता है, बात कर रहे है। लेकिन ये पढ़ के आना चाहिए लेकिन आज भी बहुत अच्छे एंकर बहुत ही अच्छे मैं एक बहुत बड़े बहुत जूनियर है उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं सैयद मुजम्मिल जीएनएन में शो करते हैं उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है मगर मुझे लगता है कि वो बहुत कम एज में बहुत ज्यादा उनके पास नॉलेज है और बहुत ही टैलेंटेड वो एंकर है तो एक दो के साथ हुआ है प्रॉब्लम्स है। हुई हैं कभी अच्छा, लेकिन बी लेते हुए कौन सा फेवरेट पोलिटिशियन है बोलेगा इसका बीपर लेना है बड़ा मजा आएगा हम्म अगर आप ये पूछे किसका नहीं लेना तो वो मैं बता पहले आप ये बताएं किसका मजा आता है फिर पूछूंगा किसका नहीं लेना है। हाँ। <laughs> जब हम समा में थे तो एमकेएम का लेते थे बहुत हाँ हाँ। एमकेएम के जो हाई कमांड थी।, थी उनके बीपर्स लेते थे तो मजा आता था उनके साथ तो आ, बहुत सारे के साथ अच्छा लगा लेना मजा आता रहा है। और केमिस्ट्री बन जाती गैस हाँ, फोन पे ले मुझे है, याद है उस वक्त राना सना का मैं लेती थी <laughs> नून में होते थे तो मुझे बड़ा मजा आता था उनके साथ जी अच्छा और किसका बीपर लेने में मजा नहीं आता शेख रशीद का

लेकिन मुझे बेसिकली उनकी थोड़ी सियासत से इख्तलाफ है हु। वो पर्सनालिटी मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करती उनकी अच्छा। या अच्छी नहीं लगती मतलब पॉलिटिशियन तो आप जो पोलिटिशियन में मुझे वो अच्छे नहीं लगते तो इस वजह से और यही नहीं और भी दो तीन लोग हैं जिनको मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करती कि मैं उनके साथ शो करें मसलन फयाज़ुल हसन चौहान ठीक है शेख रशीद का नाम तो मैंने ले लिया है और

अच्छा मेरे साथ मिसबा एक प्रॉब्लम है वो ये है कि जब तक मैं समझती हूँ कि मैं उसके कैपेबल नहीं हूँ ना नहीं। मैं वो काम कभी भी नहीं लेती नहीं। तो जब मुझे बॉस ने कहा कि आपका सात बजे का स्लॉट है और सात बजे आप शो करती हैं क्राइम शो वो करंट अफेयर शो अब वो रमजान नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। या सैरी ट्रांसमिशन तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये करें तो मैंने कहा कि आप मुझे टाइम दे फिर थोड़ा सा मतलब ये उन्होंने मुझे हाँ कुछ दिन एक महीने पहले ही बता दिया था ये आपको पता है ये तो पहले तो मैंने फिर पंद्रह दिन का एक शॉर्ट कोर्स किया अच्छा हाँ उसमें मैंने मुखारिज का कोर्स किया उसमें मैंने छोटा जो मैं कर सकती थी मैं ये नहीं कह रही मैं कोई बड़ी फाजल बन गई लेकिन मैंने ऐसी चीजें जो बेसिक चीजें थी वो मैंने सीखी, हुँ। सीखी। हुँ। और फिर मैंने जब वो शो किया ना क्योंकि जब और उसी दौरान मैंने बहुत सारी हदीसें याद की मैंने आयतें याद की मेरा थोड़ा खुद ब खुद लगाव हो गया उस तरफ और करते करते और आप यकीन करें जिस तरह आज मैं अपने करंट अफेयर शो क्यूँकी आप तो इसके गवाह हैं कि मैं आती हूँ तो एक पलंदा होता है <laughs> रिसर्च का पेपर्स का पेपर्स का तो मैं जब उस वक्त भी ये होता था कि मेरा शो होता था उससे मैं तीन घंटे पहले बैठ के अपने शो की तैयार हालांकि आपको पता है वो तो आ, ए, शो ऐसा होता है प्लान्ट होता वो तो आप डिस्कशन करते करते मैं बहुत सारी चीजों को रिगार्डिंग टॉपिक में उसे आए थे ढूंढती थी हदीसे निकालती थी फिर उससे फोन पे मैं बात करती थी आलमों से मतलब मजहबी स्कॉलर जो थे और ये वाले नहीं सो कॉल्ड so मुल्ला की बात नहीं कर रही है जो वाकई जो रिलीजियसली जो हमारे हैं है बड़े नाम है उनसे फिर मैं डिस्कशन करती थी वो तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब मैंने दो तीन शो किए तो एक आए थे मुफ्ती साहब तो उन्होंने मुझसे बोला जब प्रोग्राम खत्म हो गया जब मैंने जिस अदायगी से मैंने वो पढ़ा हदीसे पढ़ी अरबी में तो उन्होंने मुझसे पूछी ये बात कि क्या आपने कोई अरबी पढ़ी हुई या आप हाफिज कुरान है तो मैंने कहा अल्लाह करे आपके आपकी दुआ कबूल कभी मेरे दिल में आए क्योंकि सीखने का अमल तो कभी तक खत्म नहीं होता उसमें मुझे फिर बहुत मजा आया तो मतलब आपके सोलह साल के औरिकल और न्यूज़ में आपको सबसे जबरदस्त जो है हाँ, एक डिफरेंट वाला जॉनर वाला वो तो था एक क्राइम वाला जो था हाँ, वो तो था ही था लेकिन जो मुझे एक अलग से जो जिसको अलग फ्लेवर आया वो ये आया और इसी तरह सबसे जो बोरिंग मुझे चीज लगती है अब नेक्स्ट आप पूछेंगे कौन <laughs> सा मैं ही बता देती हूँ आपको सबसे बोरिंग चीज मुझे लगी इकॉनमी शो करना Hmm. मैं जब 92 में थी इस्लामाबाद में वहाँ मैं अयाज अमीर साहब के साथ और डॉक्टर फरूख सलीम के साथ एक शो करती थी hmm. जो चार दिन होता था Achha. तो मुझे फिर उन्होंने कहा कि आपने इकोनॉमी का शो भी करना है और hmm. वो अपने लाहौर से करना है Achha. तो मैं थर्सडे की रात को निकलती थी hmm. और फ्राइडे को मैं वो शो रिकॉर्ड करती थी फिर सैटरडे को मैं वापस आती थी तो वो जो इकोनॉमी क्योंकि उसके लिए फिर मैं आपको बताऊँ की मैंने जो टॉपिक होता था उससे समझती थी और मैंने वो शो किया तो मैंने तकरीबन एक साल वो शो किया इकोमी राउंड अप के नाम से अभी भी यूट्यूब कोई शक नहीं है दो चीजें बहुत मुश्किल है एक बिजनेस रिपोर्टिंग मतलब मैंने खुद बिजनेस रिपोर्टिंग का मुझे अंदाजा है जो टर्मिनोलॉजी होती है तो वो ही बड़े लगते। भी किया था बस वो कहते हैं ना वो डूबते डूबते तैरना आई जाता है तो कुछ चीजें बहुत सारी मिसाल वो आपने सीखा उसके साथ बिल्कुल जबरदस्त अच्छा तो आपके ख्याल में पूरी अब जो लोग आने चाहते हैं मीडिया इंडस्ट्री में उनको क्या रिकमेंड करेंगे फील्ड कैसी है ये देखिये मैं हा ये बात था, आपने बड़ी अच्छी बात की फील्ड कोई भी बुरी नहीं होती मिसबा प्रोफेशन कोई भी बुरा नहीं होता ये इंसान की अप्रोच अच्छी और बुरी होती है hmm. देखिए मैंने आप सभी बात की कि मैं जिस तरह आई थी एक्सीडेंटली आई थी hmm. तो क्योंकि हम, नहीं, कैसे आई थी? वो मैं बता देती हूँ वो कोई <laughs> मसला नहीं है वो हुआ ये कि मैं स्कूल में टीचिंग कर रही थी hmm. समाओ मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम हुए थे तो मैं स्कूल में टीचिंग कर रही थी तो फिर मुझे मेरी कोर्डिनेटर थी उन्होंने कहा यार एक नया चैनल आ रहा है तो उनका नाम भी मैं ले लेती हूँ वो आप जानते होंगे उनको तो क्यों ना अच्छा वो किसी ऐसी छोटे मोटे चैनल में एजुकेशन न्यूज देती थी तो अच्छा। उन्होंने कहा हम चल के ऑडिशन दे देते हैं तो मैंने उनको बोला मैंने कहा भाई मैं तो Uh, मेरे पास तो कोई ऐसी कोई डिग्री भी नहीं है, नहीं है ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, है। तो मैं कह कुछ नहीं करना होता तुम्हारी तो तुम्हारी आवाज़ अच्छी अच्छी तो चलो <laughs> मैंने कहा चलते तो फिर हम गए और जब हमारा ऑडिशन हुआ <laughs> और ऑडिशन के बाद दुश्मन बन गई है वो नाहिद वसी हैदर साहब जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर है उनकी मिसेस चौथी तो हम गए बस हम मैं वहां से फिर नहीं किए उन्होंने किए बिल्कुल किए लेकिन ये कि कहने का मकसद ये बेचारी अच्छा। तो अच्छे लोग मिले, अच्छे मिले और मेरे ख्याल आठ नौ दस चैनल में अब तक काम कर चुकी हूँ अच्छा बतौर न्यूज एंकर बतौर जो है वो एंकर प्रोड्यूसर का स्ट्रॉन्ग होना कितना जरूरी है बहुत होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना अफसोस होता है कि बहुत कम अच्छे प्रोड्यूसर हैं और अगर है ना तो उनको बड़े जो हमारी बड़ी मगर है ना, रखा हुआ हाँ, तो बताया था ना एक स्लॉट वो है जो बड़ी आमिर लिया हाँ, तो, आम, एक तो आमिर तो तो सवार सवार, आम तो मुतासिर हुई नहीं है नहीं नहीं मुतासिर नहीं हुई है मुतासर में हो गई तो हामिद मीर साहब हो गए ये लोग सारे जो थे उसके बाद हमारा स्लॉट था तो आ, एक दफा मैंने सलीम साफी से ये सवाल भी किया था मैंने कहा सलीम साफी साहब माशाल्लाह आप लोगों ने इतना टाइम गुजार लिया है वजह ये होती है है कि अब जैसे कराची ना कराची में आपको पता है दो तीन स्लॉट होते हैं खाली मुश्किल से एक, दो स्लॉट एक चैनल में वो, वो उन लोगों ने रखे हुए एक क्लास वो सारे उन्होंने रखे हुए तो हमारे पास वो जगह नहीं मिलती हमें अपनी जगह बनानी पड़ती बहुत मुश्किल होती है तो अब जो है प्रोड्यूसर की जहाँ तक बात है तो प्रोड्यूसर के साथ भी यही प्रॉब्लम है या अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं तो फिर वो एंगेज होना चाहते हैं एक क्लास के साथ ताकि उनको उनका नाम भी, नाम रहे, भी रहे और आ, 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 एफिलेशन लगी जो तो तो फायदे और होते बहुत फायदे होते हैं जी भी वजह है तो आपको आप

सिद्दीक hmm. जान प्रोड्यूसर तो नहीं थे लेकिन hmm. उन्होंने क्योंकि 92 में हमारे साथ थे तो उन्होंने भी बहुत अच्छा मेरे साथ मुझे कोऑर्डिनेट किया मेरे साथ एज अ प्रोड्यूसर भी किया एज अ कंटेंट राइटर भी किया एज अ कोऑर्डिनेशन गैस कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प की तो उन्होंने भी बड़ा काम किया और बाकी मिसबा आज भी hmm. अब पता है क्या इतना अच्छा काम करते-करते होगे ना तो अब मुझे मैं सेटिस्फाइड नहीं होती सबसे प्रॉब्लम ये है मेरा मैं सेटिस्फाई होती नहीं हूँ प्रोड्यूसर से भी नहीं होंगी हालांकि वो बेचारा बहुत अच्छा काम करेगा लेकिन होता ही है कि खुद करते करते आपको इतनी आदत हाँ। हो जाती है कि आपको वो काम मुकम्मल उसी वक्त लगता है जब तक आप और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए आज भी मेरे जो गेस्ट है ना वो इस चीज को बड़ा उब्लाइज करते हैं कि यार आप फोन करके हमें इन्वाइट करती हैं प्रोग्राम के लिए और आप टॉपिक हमें बताती हैं वरना अक्सर ये होता है कि छोटी है मैंने आप जब हम आएंगे आजकल के एंकर पे तो मैं आपको बताऊंगी लेकिन वो इज्जत मिलती है गैस को भी मिलती है और प्रोड्यूसर भी होता है और देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम ये है जब बंदा इतना प्रोफेशनल हो जाता है ना तो फिर उसको चिक चिक करने की आदत हो जाती है मुझे भी थोड़ी थोड़ी, ये थोड़ी मैं नहीं बोल रहा ये खुद बोल रही है मैं तो अपनी अच्छाई बुराई सब बता रही हूँ ना मैं तो ये तो आपको भी पता है कि और वो वो सिर्फ स्क्रीन की हद तक होता है यानी आपके काम के लिए होता है होता कि प्रोग्राम अच्छा आपको याद होगा कि जब पहली मीटिंग हमारी एक सबका इदारे में थी तो मैंने पहली मीटिंग में क्या बोला था मैंने ये कहा था भाई मैं थोड़ा हार्श हो जाती हूँ लेकिन सिर्फ इस ऑफिस के हद तक एक घंटे के लिए एक घंटे के लिए उसके बाद मैं हम दोस्त हैं बिल्कुल लेकिन ये कि वो चीजें कभी लोगों को अच्छी लगती कभी बुरी लग जाती

अर्ज थी ना काम करने की और जितना उसमें वो चाहत से और मोहब्बत से काम जितना खून आंसू उन्होंने जो है ना हमें रुलाया है ना प्रोडक्शन देखिए तो वो है। वो तो होता ही मैंने आपको कहा ना कि ऐसे फिर लोग मिलते भी हैं लेकिन आपने एंकर का पूछा तो मैं उसका बता रही हूँ कि वो मुझे मेहर बुखारी बहुत मुझे अच्छी कॉम्पिटेंट एंकर है और आज कल में मैं समझती हूँ कि आलिया होती हैं पहले दुनिया न्यूज में थी अब मेरा ख्याल जी में है तो वो मुझे वो भी बहुत अच्छे एंकर हैं बहुत सारे अच्छे एंकर है। मैंने के से, कि जो होस्ट करते हैं उनकी बात करो इस अच्छा, है नहीं। और मेरे और मैं उनके शोज भी देखती हूँ यूट्यूब एज अ गेस्ट भी लेती हूँ तो और भी बहुत सारे नाम है मतलब ये नहीं है कि मतलब यही दो है अच्छा नए जो एंकर उनके लिए एडवाइस दें पहले तो कि क्या करें वो किस ले, किस हवाले अप, से क्या, <laughs> क्या करें नहीं <laughs> <laughs> अप, अपने कैसे स्किल हाँ, भाई देखिए एक तो ये है वो बात कि जब मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को तो जब पहला पहला दिन होता है तो मैं उनसे पूछती हूँ आप क्यों आए मेजोरिटी जो है ना वो ये कहती जी हमें टीवी पे आने का शौक है ठीक है और पैसे अच्छे मिलते हैं ये दो रीजन है जिसकी वजह से आते हैं तो मैं उनको पढ़ाती ही नहीं हूँ फिर <laughs> मैं कहती हूँ फिर आप गलत जगह पर आ गए हैं जिसमें मुझे लगेगा ना क्या पैशन है या जिसमें लगेगा वाकई कि उसको एक न्यूज सेंस है या वो वाकई न्यूज को समझता है उसके लिए मैं तो सबसे पहले इस चीज को कि जब आप ये सोच कर आते हैं कि आपको सिर्फ स्क्रीन मिल रही है आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो भाई फिर आप अगर किसी पर्ची से भी आ जाएंगे ना तो आप चल नहीं सकते आपकी लाइफ नहीं है इतनी ठीक है बहसियत विमेन मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन अब न्यूज एनकर की भी आप देखिए कहाँ मतलब हम भी अब एक वक्त था बहुत पीक पे थे हुँ. अब एक उतना काम नहीं है कम खुद भी कम करते हैं कम हाँ। काम करते हैं लेकिन क्वालिटी वाला काम करते हैं पहले ये था ये भी कर लो वो भी कर लो बॉसेस भी काम करा रहे हैं सुबह आ जाओ शादी हाँ। शाम में ये कर लो मैं तो स्पेयर पार्ट आपको पता है समा में <laughs> समा की स्पेयर पार्ट थी ना अपनी तो दी जहाँ कोई नहीं आ रहा तो मैं तो बस और मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ आज उस मेहनत ने आपको मेहनत और इसमें मैं सर्वर मुस्वी साहब को कभी नहीं भूल मतलब मैं उनको जितना सल्यूट करू जितना उनको दुआएं दू कम है वो तो अब बहुत बीमार भी है लेकिन उन्होंने तो। मुझे जिस तरह से रगड़ा दिया है ना उस रगड़े ने आज मुझे बना दिया बिल्कुल, बिल्कुल। तो नए एंकर्स जो है वो सबसे पहले तो देखिए आप टीवी पे आएंगे लेकिन जर्नलिज्म को समझे सबसे पहले जर्नलिज्म चीज है क्या, क्या है? एक तो का नाम है बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है दूसरा ये अब जो हमारे मीडिया का माहौल भी हो गया ना मिसबा वो भी बहुत मैटर करता है पहले ऑर्गेनाइजेशन होती थी अब तो कॉर्पोरेट सेक्टर बन गया है। ऐसा ही दूध वाला गाय वाला भैंस वाला <laughs> किसान घी वाले सब आ गए हैं ना मतलब सर, है ना ये? देखें ना नहीं बनाया ना मेरे कहने का मकसद ही है ये तो बनाए कितने चैनल्स के ऐसे जिनका पहले, पहले नहीं वाला? थे ऐसे पहले नहीं थे अब ऑफकोर्स उनको भीड़ चाल में सबको दौड़ना है ना मतलब उन्होंने भी तो खाना ही अपने पेट से पत्थर तो नहीं बांधना तो उन्होंने भी तो वो भी इस दौड़ में चैनल को बनाया इसलिए मैंने काम ही ऐसे

आपको पढ़ना पड़ेगा आपको हर तरह से अपने आप को एक किताबी कीड़ा बनाना पड़ेगा आपको दुनिया की खबर रखनी पड़ेगी hmm. मतलब आप यकीन करें मिसबा मैं अगर दो तीन घंटे में अब तो दुनिया इतनी फास्ट हो गई है तीन घंटे में बाद दुनिया ही बदल चुकी हाँ, होती है मतलब मैंने अगर मोबाइल खोला और व्हाट्सएप ग्रुप पे गए अरे ये क्या, हाँ। ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये क्या हुआ हर घंटे चेंजिंग हो रही होती है तो आपको हम लोग की लाइफ भी ना पता है मैं अपना मेरे बच्चे जब अब तो बड़े हो गए माशाल्लाह उस वक्त बहुत छोटे आपको याद है समय में लेकर आती थी छोटे छोटे बच्चे ऐसे बेचारे कैफेटेरिया में बैठे होते थे तो मुझे बस एक दुख ये है कि मैं वो टाइम नहीं दे पाई जो मुझे एक माए देती हैं अपने बच्चों hmm. को

आ, एक पैशन समझकर उसको अपना जिम्मेदारी समझते हुए उसको आप डिलीवर करें तो बस आने वाले जो शौक रखते हैं सहाफत में आने का ये स्क्रीन पर आने के लिए तो पहले तो सहाफत को समझे दूसरा अपने आप को इस काबिल बना लें कि पांच साल नहीं दस साल चल सके मतलब <laughs> वो सीखने के मराइल को खत्म ना करें सिर्फ ये ग्लैमरस जॉब नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आए और पढ़ना और जानना सीखना जरूरी है अच्छा बात है क्विक फायर राउंड के ऊपर ठीक है सोचना नहीं है आपने कोई जवाब देना है नहीं फ्रूट नहीं पूछा फ्रूट पूछा था मैंने अच्छा <laughs> आपको आ, आ, आम आ, तो आपको फिर अमीर लखा याद आ गए आम खाओगे आप तो नहीं मुझे दाल चावल दाल चावल वही गुड अच्छा फेवरेट कलर आ, ब्लैक फेवरेट जगह मतलब कहाँ पाकिस्तान पाकिस्तान किसी भी जगह कोई भी जगह कोई भी जगह जन्नत देखी नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया ओके फेवरेट शायर लाजमे जॉन एलिया कोई शेर सुना तो बहुत सारे अब ये जो होता है ना आ, <laughs> इसी का तो मजा है यार मैं कौन सा सुना इतने सारे गिटपिट हो रहे हैं मैं इसके अलावा अपना पसंदीदा हाँ, शेर कोई शेयर ठीक है ना अः मुझे जब्त गम पे कमाल था मेरे आंसुओं ने वफा ना की मेरे राज पर से शिहाल पर मेरे चश्मे नम से टपक गए मुझे छोड़ दें या संभाल लें मेरी लाज आपके हाथ है मुझे ऐतराफ शिकस्त है मेरे पाऊ राह में थक गए तो अब यही हुआ है कि जिसने भी नाम लिया ना फेवरेट शायर ये। उसको उसको उसने उसका शेर नहीं सुनाया नहीं इसलीं नहीं नहीं इसलीं नहीं इसलिए इसलिए सुनाया वो इतने सारे होते और हाँ। फिल्टर जो फिल्टर नहीं 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 हो exactly. है वो फेवरेट बुक मतलब भी तरीके से कोई शायरी की बुक कोई अदब की बुक कोई फलसफा कोई हिस्ट्री कोई ऑटोबायोग्राफी मुझे मंटो की किताबें अच्छी लगती हैं फेवरेट सिंगर अह नूरजहाँ और लता दोनों ही अच्छी लगती हैं फेवरेट पॉलिटिशियन अह एतजाद हसन ओके अह फेवरेट आर्टिस्ट आर्टिस्ट तो बहुत सारा बॉस हां अच्छा तो अब ड्रामा आर्टिस्ट ही बात करें या फिल्म आर्टिस्ट ही बात करें अच्छा फिल्म आर्टिस्ट तो uh, इतना कोई खास वो नहीं है कोई एक जिसको जो पसंद हो बहुत सारे बहुत हैं। सारे हैं। हाँ फेवरेट फिल्म फेवरेट फिल्म तो डॉक्यूमेंट्री देखती हूँ ज्यादा तो इसलिए वो फिल्म के ऊपर तो बेस नहीं करता बेस नहीं करता ठीक है कहीं जाना पड़ा अकेला तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे नहीं अकेला जाए तो बंदा अकेले ही मतलब, मतलब किसी एक को मतलब किसी एक को ले आए अगर जो है चांस हो मैं किसी को नहीं ले जाऊंगी अपनी रात में खुश है मैं अक्सर अकेले ही गई हूँ नॉर्दर्न एरिया गई उनकी किताबें ले गई म्यूजिक हुआ मतलब देखिए कोई अच्छी जगह हाँ वैसे अगर आपने किसी और उसके लिए जाना हो तो वो तो फिर आपके बच्चे भी हैं आपकी फैमिली भी है सब आप लेकिन ये अगर आपने किसी चीज अपने आप को पहचानना हाँ। तो फिर अकेले जाना जरूरी होता है ठीक है शादिया बहुत मजा आया Thank बहुत सूस रही Thank हम एक अर्से बात जो है वो साथ बैठ के इस तरीके से बात कर रहे हैं और शादिया कैमरे के आगे और हम कैमरे के पीछे रहने वालों तक सत्रह अठारह साल थे बहुत मजा आया शुक्रिया आपने इंजॉय किया होगा लेट हो एंकर बन सकते थे <laughs> <laughs> नहीं अब तो मेश्योर एज में ना चालीस साल पचास साल के बाद जो है सफेद दाढ़ी और सफेद वालों के हम भी तो बन सकते हैं कौन है वो बड़े मशहूर एंकर जो सुफैद ख छोड़े उसको कहीं होने के ठीक है हज़ार बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मज़ा आया थैंक यू जी आप यकीन तौर पे आप लोगों को मज़ा आया होगा शादी गफ्तू करके और हमने ऐसी बहुत सी खुल के बातें करी जो हम टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं कर सकते थे राइट नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट कैसे मुलाकात होगी सलाम